हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ड्रिफ्ट पिस्टन कार जो कि एक हाई स्पीड ड्रिफ्ट क्लाइंबिंग व्हीकल है जिसको मैं अभी अनबॉक्स करने वाला हूँ। इसको भी हमने अमेजोन से ही परचेज किया है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। इसको हमने 1599 रुपये में परचेज किया था। इसका जो फीचर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट स्टंट कार जो है यहाँ पे और हाई स्पीड ड्रिफ्ट क्लाइंबिंग व्हीकल यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे लाइट हमें मिलता है नाइट चलाने के लिए, नाइट राइडिंग के लिए यहाँ पे दो एलईडी लाइट मिल जाते हैं इसके सामने। और यहाँ पे ड्रिफ्ट फंक्शन बताया गया है इसके अंदर का, जो ड्रिफ्ट फंक्शन है तो उसको मैं टेस्टिंग के बाद आपको बताऊंगा कि ड्रिफ्ट फंक्शन इसका क्या है। तो ये यूनिवर्सल व्हील यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके जो व्हील है वो अदर टॉयज के व्हील से थोड़े डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो दिखाया गया है, और इधर बिग डायग्राम उसके साथ यहाँ पे दो आपको दिखाए गए हैं, दो डिफरेंट कलर। अगर आपको ऑनलाइन में आप इसको शॉपिंग करते हैं तो और भी कलर आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। और साइड में वही रेड कलर को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है, और बाकी कुछ नहीं। तो चलिए हम इसको खोल करके देखते हैं। इसके साथ मिला है हमें एक बैटरी और एक डेटा केबल बैटरी को चार्ज करने के लिए। इस डेटा केबल को आप एडाप्टर में लगा करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसको मैं साइड में रखता हूँ। और ये मैनुअल गाइड है, यहाँ पे मैनुअल गाइड में सब कुछ दिखाया गया है कि ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, ये सब इनके कुछ फंक्शन दिखाए गए हैं। और रिमोट में आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी नहीं मिला हुआ है रिमोट में, इसको इसकी बैटरी हमें मार्केट से परचेज करनी होगी। तो चलिए गाइड को हम साइड में रखते हैं और इसको खोलते हैं। यहाँ पे ये लॉक किया गया है पूरी तरीके से, तो चलिए इसको काटते हैं। तो ये रहा हमारा कार जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके पास यूनिवर्सल व्हील यहाँ पे ये सब लगे हुए हैं। यूनिवर्सल व्हील ये रबर के व्हील है, यूनिवर्सल जो व्हील है ये रबर के व्हील है। यहाँ पे एलईडी लाइट जो मैंने आपको पहले ही बताया था, और इसके अंदर बैटरी लगेगा उसको मैं अभी लगा दूंगा। और इसके अंदर का जो बैटरी है वो मार्केट से हमने परचेस किया है, यहाँ पे दो एवरेडी बैटरी ये लग जाएगा डबल ए साइज। और इसके जो ड्रिफ्ट फीचर है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ड्रिफ्ट फीचर है वो कैसे वर्क करते हैं। तो ड्रिफ्ट फीचर का वर्किंग जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले मैं ये दिखा दूँ आपको व्हील, व्हील को एक व्हील को मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए क्रॉस व्हील इसके रोटेट करते हैं, इधर क्रॉस व्हील भी रोटेट करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा ये कैसे फ्रंट जाता है। फ्रंट जाता है तो डायरेक्टली नॉर्मली जैसे ही सभी कार जाते हैं वैसे ही सभी व्हील रोटेट करेंगे तो फ्रंट बैक जाएगा। अब लेफ्ट राइट देखें तो लेफ्ट राइट ये जो व्हील है, एक इधर राइट साइड से बात करें तो यहाँ पे राइट लेफ्ट एंटी क्लॉक क्लॉक रोटेट करेंगे तो ये लेफ्ट राइट होता है। देखिए एक व्हील क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, एक व्हील एंटी क्लॉक, तो ये लेफ्ट राइट जा रहा है। अब वही 45 डिग्री अगर मैं राइट की बात करूँ तो यहाँ पे ये दो व्हील रोटेट करेंगे 45 डिग्री राइट, एंड 45 डिग्री अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो यहाँ 45 डिग्री लेफ्ट, ये दो व्हील वर्क करते हैं। बस यही है इसका सिंपल सा फंडा। इसके अंदर बैटरी सेट करते हैं और इसको चला करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जॉयस्टिक है इसको फ्रंट करने पर गाड़ी फ्रंट जाएगी, फॉरवर्ड एंड बैक खींचने पर यहाँ पे गाड़ी बैकवर्ड आती है। और इधर जो लेफ्ट राइट है इससे हम लेफ्ट राइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो देखिए आप गाड़ी लेफ्ट जा रही है, और जब मैं यहाँ पर राइट करूँगा तो राइट, यही फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं जो। और यहाँ पर फॉरवर्ड और राइट करने पर गाड़ी 45 डिग्री राइट जा रही है, और यहाँ पर बैकवर्ड लेफ्ट करने पर गाड़ी 45 डिग्री बैक आ रही है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।